दर्शकों नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर शिवहरे। आइए एक नजर डालते हैं आज दिन भर की हेडलाइंस पर। आज बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने भिंड के सहायक यंत्री तरवरिया के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई एक पक्षीय कार्रवाई के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी गुना इकाई की बैठक हुई आयोजित। खाद की कालाबाजारी करने वाले विक्रेता व भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने को लेकर आज ग्राम फतेहपुर तहसील चाचौड़ा के ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट में आकर दिया ज्ञापन। उचित कार्रवाई करने की मांग। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज रेड क्रॉस भवन में एक कार्यशाला का हुआ आयोजन। राघवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत नारायणपुरा में बंद पड़े शक्कर कारखाने को पुनः खुलवाने को लेकर आज डीएसओ के नेतृत्व में किसानों ने दिया ज्ञापन। गुना नगर पालिका अध्यक्ष सीट महिला सामान्य के लिए हुई आरक्षित। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में डी कंपनी गुना के द्वारा 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें आज दिनांक 9 दिसंबर को सभी कैडेट्स ने हैंडवाश डे मनाया। घर छोड़कर ना जाओ बिटिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज ग्राम उमरी में बच्चियों को जागरूक किया गया। नेक दिल हमारा शहर कैंसर पीड़ित पत्रकार साथी की मदद के लिए उठे हाथ। गुना शहर की यही खासियत है, इस शहर को बाकी शहरों से अलग करती है। यहाँ लोगों की परेशानी को साझा करके जो अपनेपन की नज़ीर पेश की जाती है, वह बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है। पत्रकार साथी विशाल कदम के कैंसर की गिरफ्त में आकर गंभीर स्थिति में पहुंचने की घटना न केवल पत्रकार जगत के लिए बल्कि शहर भर के लिए स्तब्ध करने वाली रही। लेकिन जिस तरह से संकट की घड़ी में मदद के लिए हाथ आगे आए, वह काबिले तारीफ हैं। आज बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने भिंड के सहायक यंत्री तरवरिया के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई एक पक्षीय कार्रवाई के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। काम करना जो दुबर हो गया है, एक तो ऊपर से प्रशासन का दबाव। विद्युत कर्मचारी अधिकारी गुना व्रत गुना जिला के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भिंड जिले में हमारे साथी प्रबंधक श्री नरेंद्र तरवरिया जी के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा बिना किसी तथ्यों के बिना किसी जांच के उनके खिलाफ एक झूठा पकड़ा तैयार कर उन्हें गिरफ्तार कर तुरंत फौरन में जेल भेजा गया। जबकि जिस उपभोक्ता को फरियादी बनाया गया उसकी हमने पूर्व में ही FIR के लिए आवेदन किया हुआ था। हमारे आवेदन पर कार्रवाई ना करते हुए राजनीतिक दबाव के चलते हमारे कर्मचारी अधिकारी जो कि एक सेकेंड क्लास ऑफिसर है उनके खिलाफ झूठी पकड़ दर्ज कर लिया गया। उनके उस FIR को वापस लेने हेतु उनके समर्थन में हम सब लोग यहाँ आज एक दिन का सांकेतिक धरना के लिए इकट्ठे हुए। आम आदमी पार्टी गुना इकाई की बैठक हुई आयोजित। स्वास्थ्य में बहुत बड़ा काम किया। आदमी पार्टी के बैठक है जिसमें जॉन ग्वालियर चंबल संभाग जॉन की बैठक रखी हुई है और 13 तारीख को ग्वालियर में एक हमारे राष्ट्रीय लेवल और प्रदेश लेवल की बैठक है, उसके बाद सभा भी है। उस संदर्भ में हम जॉन बाई जॉन जिला विधानसभा सभी प्रभारियों की बैठक ले रहे हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर हमारी ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। हमें नगर पालिका चुनाव जोर शोर से लगना है, नगर निगम चुनाव लड़ना है और नगर पंचायतों का चुनाव लड़ना है। हम आम आदमी पार्टी कांग्रेस चूँकि विकल्प बची नहीं है, भाजपा ने कांग्रेस को इतना डरा दिया है कि कांग्रेसी घर से बाहर नहीं निकल रहे। आम जनता परेशान है,
हम एक आम जनता के लिए विकल्प के रूप में तन मन धन से संघर्ष करेंगे जनता के साथ। ऐसा हम पूरे प्रदेश पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों के विचार हैं और निरंतर हम खाद की कालाबाजारी करने वाले विक्रेता व भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने को लेकर आज ग्राम फतेहपुर तहसील चाचौड़ा के ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट में आकर दिया ज्ञापन, उचित कार्रवाई करने की मांग। नाम फूल सिंह भील, फतेहपुर से आए और ट्रैक्टर जो पकड़ा था 5/11/2020 को 10 कुंटल चावल और 25 कुंटल गेहूँ राजस्थान बॉर्डर पे ले जा रहा था सेल्समैन, तो ग्रामीणों ने पकड़ा था हमने, पूरे ग्रामीणों ने। फिर तहसीलदार साहब को सूचना दी, वे मौके पहुँचे और ग्रामीणों एसडीएम साहब के बंगले पे लाके खड़ा कर दिया, कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं और पैसे कौड़ी लेके फूटने 2-3 लाख रुपये ले लिए, 2-3 लाख रुपए ले लिया और एसडीएम और दोनों की मिली भगत है, तो वही केस रफे दफे कर रहे हैं। और 3 बार हम आवेदन जवाब दे चुके, अब आज गौर लगाई, अगर कोशिश होगी तो ठीक है, कल तक नहीं तो हम भोपाल जाएंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज रेड क्रॉस भवन में एक कार्यशाला का हुआ आयोजन। पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को 17 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर पूरे जिलों में दवाई पिलाई जा रही है। इसके अंतर्गत गुना जिले में भी दवाई पिलाई जाएगी पल्स पोलियो की, और इसके अंतर्गत आज रेडक्रॉस भवन में सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों का, चिकित्सकों का प्रशिक्षण रखा गया था, जिसमें उनको WHO के डॉक्टर गंभीर साहब एवं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर बिंचोरकर्ण जी ने विस्तार से प्रशिक्षण दिया है। अब इसके बाद में विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण हुआ, उसके बाद सेक्टर स्तर पर प्रशिक्षण हुआ, और यह प्रयास किया जाएगा कि 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे 17 जनवरी को दवा पी लें। जो बच्चे शेष रह जाएंगे उनको घर घर 18 और 19 को दवाई पिलाई जाएगी। इसके साथ ही इसमें कोरोना के सभी मापदंडों का पालन भी किया जाएगा। राघवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत नारायणपुरा में बंद पड़े शक्कर कारखाने को पुनः खुलवाने को लेकर आज DSO के नेतृत्व में किसानों ने दिया ज्ञापन। पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले जो राघवगढ़ क्षेत्र में नारायणपुरा जो शक्कर फैक्ट्री है काफी लंबे समय से बंद पड़ी हुई है, उसको पुनः चालू कराने की मांग को लेकर आज हम लोगों ने जिलाधीश महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग की है कि जो कारखाना जिसमें हजारों लोगों को काम मिलता था, हजारों लोगों की आजीविका का वो साधन था, उसको बिना कोई कारण बताए उन मजदूरों को निकाल दिया गया और उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। हमारा मानना है कि सरकार एक तरफ बोल रही है हम किसान हितैषी हैं, किसानों के कर्जे हम लोग माफ करेंगे, हम किसान पुत्र हैं, लेकिन हम लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप किसान पुत्र हैं तो किसानों की आय का जो साधन थी जो फैक्ट्री, आप उसको चालू करिए। आप जो भी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं उसको तुरंत उनका निराकरण करके उस फैक्ट्री को चालू किया जाए। इस मांग को लेकर के आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। बैराखेड़ी, आबन, बर्रिया और कई गांवों से आज लोग जो उसमें काम करने वाले साथी थे, किसान थे, वो यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे अगर उसको शुरू नहीं किया गया तो। गुना नगर पालिका अध्यक्ष सीट महिला सामान्य के लिए हुई आरक्षित। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में डी कंपनी गुना के द्वारा 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें आज दिनांक 9 दिसंबर को सभी कैडेट्स ने हैंड वॉश डे मनाया। देखो बेटा, इन सारी चीजों का पर्पस सिर्फ इतना है, ये पखवाड़े चला रहे हैं, EGNCC जैसी ऑर्गेनाइजेशन आपको हाथ धोलना ये सिखा रही है, इसका मतलब है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ इसका महत्व है हर आदमी के लिए, ये प्रॉपर तरीका करना चाहिए। चलो सब आज पानी डालो, अब
होती है ना, ऐसे नहीं पहुंचना है, ऐसे नहीं पहुंचना है, ऐसे नहीं पहुंचना है, करते हैं ना अपन, कोई मतलब नहीं निकलता फिर। अच्छा, किसी ने डॉक्टर को हाथ धोते हुए देखा है? यस सर। देखा है? सर, वो जो डॉक्टर हाथ धोता है ना। घर छोड़कर ना जाओ बिटिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज ग्राम उमरी में बच्चियों को जागरूक किया गया। नेक दिल हमारा शहर कैंसर पीड़ित पत्रकार साथी की मदद के लिए उठे हाथ। गुना शहर की यही खासियत है, इस शहर को बाकी शहरों से अलग करती है। यहाँ लोगों की परेशानी को साझा करके जो अपनेपन की नज़ीर पेश की जाती है वह बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है। पत्रकार साथी विशाल कदम के कैंसर की गिरफ्त में आकर गंभीर स्थिति में पहुंचने की घटना न केवल पत्रकार जगत के लिए बल्कि शहर भर के लिए स्तब्ध करने वाली रही। लेकिन जिस तरह से संकट की घड़ी में मदद के लिए हाथ आगे आए वह काबिले तारीफ़ हैं।